पानी चालू हो गया यहाँ, हाँ मतलब आके सामने खड़ा हो जाएंगे मेरे को नहला करके। आज रात को बच्चा दी है, ये एकदम तंदुरुस्त है, स्वस्थ बच्चा है। चार दांत ऊपर से और चार दांत इधर से, हाँ 8 दांत से कटिंग होगा। 2 महीना से 15-45 दिन तो दूध पी लेती है, हाँ इसके बाद 15 से 20 दिन दाना खिला देते हैं, इसके बाद सेल कर देते हैं बाहर। अरे बाप रे, इतना आवाज करेगी ये? हाँ हाँ, वो खाना के चलते कर रही है वो। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर, हम आपको इस वीडियो पर दिखा रहे हैं पीक फार्म, साथ ही पीक के खाने पीने के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और आपको बता दें, यह वीडियो हम छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र जसपुर जिले से कवर कर रहे हैं। जसपुर जिले का ये कौन सा गाँव है? दुर्गापारा। और तहसील क्या है? बगीचा। और जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ है। हाँ। फार्म का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ पीक फार्म। छत्तीसगढ़ पीक फार्म है तो, और कितनी इसमें पीक है? लगभग अभी 100 जानवर है, 100 से ऊपर ही है। 100 से ऊपर जानवर हैं इस फार्म पे, ठीक है। और आपका नाम? रामचंद्र गुप्ता। रामचंद्र गुप्ता जी का फार्म है जसपुर जिले से, बगीचा तहसील से जी जी। और ये जसपुर जिले का लास्ट है और यहाँ से अंबिकापुर पास है, यही है ना? अंबिकापुर कितना किलोमीटर है? 45 किलोमीटर। और बगीचा कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर। और जसपुर कितना किलोमीटर हो जाएगा? 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये इस फार्म का लोकेशन है। तो चलिए बात करते हैं कि पीक को क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, किस तरीके से रखरखाव करते हैं, साथ में उसमें परेशानी क्या है, फायदा क्या है, ये डिटेल के साथ समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। ये कितने साल से कर रहे हैं? 2 साल से कर रहा हूं। 2 साल से कर रहे हैं। तो ये करने का इरादा कैसे हुआ? मैं यूट्यूब में देखा, मेरे को लगा कि बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत पैसा देने वाला है, और मैं करने के बाद मेरे को लग भी रहा है कि बहुत अच्छा है। 2 साल से कर रहा हूँ मैं। जितना लागत लगाया था, 20 लाख लगाया था फर्स्ट में, वो 20 लाख मेरा लमसम निकल गया है 2 साल में। अब प्रॉफिट देना चालू कर दिया है मेरे को। अच्छा, अब प्रॉफिट पे आ गए? हाँ आ गया हूँ। ठीक है, तो यूट्यूब देख के इरादा हुआ था पीक फार्म का? जी जी। ठीक है, तो ये कितने बड़े जगह पे हो रहा है? ये 2 एकड़ में है मेरा। 2 एकड़ पे हो रहा है? जी जी। ठीक है, और पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? मैं 12वीं पास किया हूँ, कॉलेज गया, कॉलेज में लटक गया, इसके बाद छोड़ के मैं बिजनेस में आ गया। अच्छा, कहाँ से किए 12वीं? 12वीं तो मैं अंबिकापुर बगीचा से किया, और कॉलेज अंबिकापुर से कर रहा था, लेकिन कॉलेज में सक्सेस नहीं हुआ, इसके बाद में बिजनेस में आया। अच्छा ठीक है, अभी हम बात करते हुए चलते हैं और इसको समझते हुए चलते हैं ना। ये जो हम देख रहे हैं, ये कौन सी ब्रीड है? ये TNT का नस्ल है। मेरे पास TNT का नस्ल नहीं था, यहाँ हमारे यहाँ ब्लैक का डिमांड ज़्यादा था और वाइट का डिमांड कम था, तो मैं पहले सोचा TNT का नर ले आऊँ एक बार, तो उससे मेरे को ब्लैक बच्चा मिल जाएगा TNT का, लेकिन नहीं मिल पाया मेरे को। वाइट 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 में ब्लैक का छींटा आने लगा, पूरा पूरा ब्लैक नहीं मिला, इसलिए मैं इसको दुर्ग से लेके आया हूँ। ये ब्लैक ब्लैक नस्ल का मादा है, ये कटोरी है कहना चाहिए, और इससे में ब्लैक बच्चा मेरे को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में सेलिंग के पर्पस से हम देखें तो ब्लैक का मार्केट ज़्यादा है वाइट के बजाय? हाँ, ब्लैक का मार्केट ज़्यादा है यहाँ। अच्छा, तो ये ब्लैक जो गांव में घूमती वही ब्लैक है कि दूसरी है? वो ब्लैक 30 किलो 35 किलो से ऊपर नहीं होगा। अब ये आपको 2 क्विंटल पार कर जाएगा ये। अभी दिखाएंगे 2 क्विंटल वाला। हाँ, है ना? दिखाएंगे। हाँ। ठीक है, तो ये देसी ब्रीड है कि ये भी? नहीं, हाइब्रिड ब्रीड है, पूरा हाइब्रिड। बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है ये। अधिकतम खूब है तो 3 महीना का बच्चा है ये। अच्छा। 3-4 महीना का बच्चा है ये। अच्छा, और लगभग ये 50 किलो 45 किलो 50 किलो से ऊपर है। और वो जो हम देख रहे हैं वो एक बार बच्चा दे के वो अभी रेस्ट कर रही है। अभी बच्चा दी है, इसके बाद 1 महीना रेस्ट करेगी, इसके बाद फिर क्रॉस कराएंगे इसको। ये कौन सी ब्रीड है? ये लार्ज व्हाइट है। अच्छा ठीक है, अब इधर से देखते चलते हैं। और जैसे 2 क्विंटल की वो बात कर रहे थे तो 2 क्विंटल को भी समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, ये है 2 क्विंटल। हाँ हाँ, ये ब्लैक 2 क्विंटल की है। हाँ। नर है ये, इसी से मेरे को क्रॉस करा के मैं ब्लैक बच्चा लूंगा सोचा था TNT का, लेकिन नहीं आया। लार्ज व्हाइट का और उसका दोनों का मिश्रण आ गया। और ये दोनों रूम है, ये एक एक बार बच्चा दे के अभी क्रॉस में डाले हुए हैं इसको। तो जिसको क्रॉस कराना रहता है उसको इसके साथ रख देते हैं ऐसा? हाँ हाँ, बस उसी टाइप से उसके साथ छोड़ दिया, अपना क्रॉस कर लिया, हो गया। इसके बाद फिर किसी और रूम में भी डाल देते हैं। अभी ये मेल की उम्र क्या होगी? मेल का उम्र अधिक नहीं है, अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है 1 साल से भी, 1 साल मान के चलिए अधिकतम, 1 साल से कम का ही है, ऊपर का नहीं है। अच्छा, अभी जैसे बेचेंगे तो अभी ये किस रेट पर जाएगा?
ये 180 रुपए केजी, दो क्विंटल है मतलब 38,000 की है, 36,000 की है। कितना रुपया केजी है? 180 रुपए केजी। 180 रुपए केजी अभी चल रहा है। हाँ हाँ। कोई भी ब्रीड का बेचो? हाँ कोई ब्रीड का, कटिंग के लिए ले जाएंगे तो। और जैसे बच्चा ले जाते हैं पालने के लिए, वो तो बहुत 3,000 रुपए पीस, 8 किलो 7 किलो का हुआ 10 किलो 3,000 रुपए पीस बिकता है। अच्छा। मैं अधिकतम में बच्चा ही सप्लाई करता हूँ। बच्चा ही सप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी जैसे हम ये देख रहे हैं ये सब दो बार बच्चा दे के तीसरा बार क्रॉसिंग में आए हैं लोग, जितने अच्छा। जितने मादे हैं सब। और आपके पास दो ही ब्रीड है जो TNT बोल रहे हैं और? हाँ, क्या? मैं लार्ज वाइट लाया था बनारस से 40 पीस। हाँ। 40 पीस से पूरा वाइट बच्चा आ रहा था। हाँ। और यहाँ कुछ आदमी का डिमांड था ब्लैक चाहिए। हाँ। तो इसलिए मैं TNT नस्ल का लाया, मैं नर। हाँ। नर से मेरे को ब्लैक बच्चा मिलेगा सोचा था, लेकिन नहीं मिल पाया, इसलिए मैं ब्लैक मादा लेके आया हूँ। अभी 4 पीस लाया हूँ, 2 पीस बगल में ही है, 2 पीस और आगे है। चलिए देखते चलते हैं। आइए। रूम का क्रॉस हो चुका है, इस रूम में जो रखा है क्रॉस हो चुका है, ठीक है। तो एक रूम में कितना कितना रखते हैं भैया? ये 8 मादा कैपेसिटी है इस रूम में, इसमें 8, इसमें 4, उसमें इसमें 6, उसमें भी 6। अच्छा। और बाकी सिंगल पीस, वो जितना भी रूम है ये अधिकतम छोटा है, वो सिंगल है, डिलीवरी रूम है सब। अच्छा, हम क्रम से देखते हुए चलेंगे, फिर खाने पीने तक पहुँचेंगे, ठीक है। ये क्रॉस हो चुका है? हाँ क्रॉस हो चुका। तो ये हीट पे कब आती है? हीट में आती है तो अपने चिल्लाने लगती है कि ऊपर एक चढ़ने लगता है, वो तो समझ जाते हैं कि ये क्रॉस में हीट में आ गया है। तो कितने महीने में हीट में आती है? जैसे आज बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद 1.5 महीना हम दूध पिलाते हैं, इसके बाद 1 महीना रेस्ट लेती है ये, इसके बाद फिर क्रॉस में छोड़ देते हैं। क्योंकि जैसे 8-10 मादा बच्चा जब दूध पीता है तो शरीर को पूरा निचोड़ देता है वो, निचोड़ने के बाद सूख जाता है, हड्डी दिखने लगता है शरीर। इसके बाद 1 महीना हम लोग रेस्ट देते हैं, 1 महीना रेस्ट देने के बाद तुरंत हीट में आ जाएगी वो। अच्छा, फिर कितना बच्चा देती है? 10-12-15 इस टाइप का बच्चा आता है, गिरी मतलब 10 का एवरेज आता है अपने को। अच्छा ठीक है। फिर वो बच्चा कितने दिन का हो जाता है तो सेल करते हैं? 2 महीना सा सेल, 15-45 दिन तो दूध पी लेती है। हाँ। इसके बाद 15-20 दिन दाना खिला देते हैं, इसके बाद सेल कर देते हैं बाहर। अच्छा अच्छा, एक चीज और मैं समझना चाहूँगा कि इस बिजनेस को देख के लोगों के मन पे एक ख्याल आता है, जैसे आम लोगों की तरफ से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जो एकदम आम है, जिनको फार्मिंग का ABCD ऐसा कुछ नहीं पता है। हाँ, लेकिन वो देख रहे हैं और वो देख के सोचते हैं कि ये गंदा बिजनेस है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? और जैसे देख के सोचते हैं ना कि ये सुअर, मतलब आदमी के माइंड सेट पे ये चीज सेट रहता है कि वो गंदा होता है। रहता है, सोच है सबका, लेकिन हमको तो कोई 5 पैसा देने वाला नहीं, है नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सफाई सफाई के विषय पे ही जानकारी चाह रहा हूँ कि ये सफाई पसंद जीव है कि गंदा पसंद जीव है, ये मेरे कहने का मतलब है। ये दिन में 2 बार नहाती है। हाँ। सुबह और शाम को। हाँ। 2 बार नहाने वाली। अभी पानी चालू हो गया यहाँ। हाँ। मतलब आके सामने खड़ा हो जाएंगे मेरे को नहला करके। हाँ। और वैसे छोड़ देंगे तो नहाने के चक्कर में गंदा पानी भी चले जाएंगे। अच्छा, यानी कि ये नहाने का पानी खोजती है। हाँ। तो इसलिए गंदा पानी पे चले जाती है, आप छोड़ देते हैं। हाँ, इसलिए। हाँ, मतलब आप जैसे रखेंगे वैसा वो रहेगा। हाँ, वैसा ही रहेगा। मतलब आप उसको सफाई पे रखेंगे तो सफाई पे ही रहेगा। अभी जैसे हम जिस जगह पे खड़े हैं एकदम नीट एंड क्लीन है, थोड़ी सी भी गंदगी नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई अलग से स्मेल है। कोई स्मेल नहीं है यहाँ पे। आदमी सोचता है कि सुअर फार्म है, बहुत गंदगी होगा, लेकिन हमारे यहाँ देखिए आपका घर में जो वातावरण है वही यहाँ भी मिलेगा। वही चीज मैं समझना चाह रहा था। हाँ, हाँ। कि सफाई है कि नहीं है ये मैं समझना चाह रहा। सफाई है। हाँ, हाँ, तो आप सफाई से रखेंगे तो ये सफाई हाँ, से रहेगी, ठीक है। मतलब देख सकते हैं जैसे बिल्कुल साफ दिख रही है, नीट एंड क्लीन दिख रही है, गुलाबी चमड़ी दिख रही है, यही है ना? ठीक हाँ, है। अभी ये सामने है, ये इस बच्चा देने वाले हैं लोग। ये बच्चा देने वाली है, प्रेग्नेंट है। अच्छा, इसलिए सोई है? नहीं, वो तो खैर इनका काम ही है, सोना ही है, दिन भर खाएंगे फिर सोएंगे, तो जल्दी शरीर विकास जल्दी करता है। ये कितने केजी की होगी? ये लगभग 90 किलो की केजी के है। 90 किलो की। हाँ, है। हाँ। तो 1 किलो कितने में बिक रहा है? 1 किलो का कितना रेट बताया? 180 रुपया, ठीक है। तो इसको अकेले रख दिए हैं यहाँ? बस बच्चा जैसे डिलीवरी, जैसे पेट में बच्चा है तो आपस में कभी लड़े ना, लड़ते हैं तो चोट लगता है, तो बच्चा भी नुकसान होने का चांस रहता है। इसलिए प्रेग्नेंट बच्चा देने से 1-1.5 महीना पहले हम लोग एक अलग अलग डाल देते हैं उसको। अच्छा, अभी आपके पास कोई बच्चा दिए? हाँ, आज रात को ही बच्चा दिए। जरा दिखा दीजिए। ये
कितने दिनों का है? आज रात को बच्चा दी है, ये एकदम तंदुरुस्त है, स्वस्थ बच्चा है। अच्छा। ये मादा 9 बच्चा दी है आज रात को ही। अच्छा, एक बार में 9 बच्चा दे दी। हाँ, ये 9 बच्चा दी है, 12-15 हो सकते। कितना दे देता है एक बार में? 12-15-16 तक बच्चा आ जाता है। ठीक है, ठीक है। अभी उसका क्या क्या ख्याल रखेंगे जो मादा है उसका? अभी इसको खाने में अच्छा कैल्शियम देना पड़ेगा ताकि दूध अच्छा है। हाँ, दूध जितना बढ़िया आएगा उतना ही अच्छा बच्चा प्रोग्रेस करेगा। अच्छा, ठीक है। तो अभी दूध पे ही रहेगा बच्चा? हाँ, अभी 45 दिन तक दूध में रहेगा ये। अच्छा, और ट्रीटमेंट में क्या चलाएंगे जैसे बच्चा दिए तो? अभी तीसरा दिन इसका दांत कटिंग होगा। हाँ। इसके बाद आयरन का इंजेक्शन चलेगा। हाँ। इसके बाद फिर दो दिन गैप करके फिर से इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगेगा। तो दांत का कटिंग होगा मतलब? इसका 4 दांत होता है। हाँ। दो ऊपर, दो नीचे। इस दांत को काट देते हैं क्योंकि अगर हम दांत नहीं काटेंगे तो माँ का थन को काट देगा वो, और काटने की वजह से दूध नहीं पिला पाएगी वो माँ बच्चे का। दांत काटेंगे? बच्चे दिखा पाएंगे क्या अभी लाइव? इसका दांत है ये देखिए, ये वाला दांत, ये दोनों और ऊपर का ये दोनों। हाँ। ये 4 दांत ऊपर से और 4 दांत इधर से। हाँ। 8 दांत से कटिंग होगा। अच्छा। हाँ। तब ये दूध पिएगी? हाँ, नहीं दूध तो पिएगी लेकिन थन को काट देगी। हाँ। तब दूध पिएगी तब थन नहीं कटेगा। हाँ, हाँ, तो माँ के थन के सेफ्टी के लिए दांत को काटना पड़ता है। हाँ, है ना? हाँ, ठीक है। तो वो कितने कितने दिनों पे करना पड़ता है? बस एक बार काटना है, बस पैदा होने के तीसरा दिन कटिंग होगा। हाँ। आज बच्चा पैदा हुआ है, कल छोड़ के परसों काटेंगे। तो पूरा नीचे से कट कर देते हैं? हाँ, वो नीचे सटा के मांस से। अच्छा, किस में काटते हैं? नेल कटर से कट जाता है, इसका मशीन भी आता है काटने के लिए, नेल कटर से भी कट जाता है। हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए जी, ये जो माँ है। हाँ। वो आज बच्चा दी है। हाँ, ठीक है। हाँ। वो अगले बार हिट पे कब आएगी माँ? माँ तो 2.5 महीना में आ जाएगी। ठीक है। हाँ। अब आज जो बच्चा पैदा हुआ है। हाँ। जो हम देख रहे हैं छोटा छोटा, ये कब हिट पे आएगा और कब क्रॉस कराने के कंडीशन पे होगा? ये 6 महीना लगेगा इसको क्रॉस होने में। बच्चा 6 महीने बाद। हाँ। क्रॉस कराने कंडीशन पे आ जाएगा। हाँ। कितना केजी का वेट रहेगा तब? 6 महीने में लमसम 80 किलो का वेट। 80 किलो के वेट पे ये जाएगा। हाँ। ठीक है, तब इसको क्रॉस कराएंगे, 6 महीना लगेगा। हाँ, हाँ। तो ये बच्चे की उम्र 6 महीना हुआ, फिर अगर उस टाइम हम मानते हैं गाभिन हो गई, ठीक है, उसके कितने दिनों तक बच्चे को अपने पेट पे वो रखेगी फिर? 4 महीना, 120 दिन। 120 दिन, ठीक है। तो हीट में आने में कितना महीना? हीट में आने में इसको 6 महीना लगेगा, फिर 6-4-10। हाँ। 10 महीने में आज ये बच्चा दे देगी? बच्चा कितना देगी? बच्चा देगी 10 महीने में? फर्स्ट में बच्चा कम आता है, कोई 6 आएगा, कहीं किसी का 8 आएगा, कोई 5 भी आ सकता है। सेकंड बार बच्चा ज्यादा देता है। अच्छा, सेकंड बार कितना बच्चा देता है? 10-12-15। हाँ, न्यूनतम गिरी एवरेज निकालेंगे तो 10 का एवरेज आएगा ही आएगा। तो अभी हमने 10 महीने का हिसाब निकाला, ठीक है, आज जो बच्चा पैदा हुआ है उसके लिए। फिर दोबारा बच्चा ये कब तक दे देगी 10 महीने के बाद? 10 महीने के बाद बच्चा जैसे दी, 1.5 महीना बच्चे को दूध पिलाएगी। हाँ। उसके बाद 1 महीना रेस्ट देंगे उसको। हाँ। माँ को 1 महीना के बीच में ही वो हीट में आ जाएगी, उसी में क्रॉस करा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 4 महीना फिर जोड़ लो। हाँ, उसके बाद 4 महीना फिर जोड़ लीजिए। तो यानी कि एक हिसाब लगाएं तो 15-16 महीने के दरमियान फिर से दोबारा आ जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब आज जो बच्चा दिया है वो 16 महीने में 2 बार बच्चा दे चुका रहेगा आपके पास। एक मोटा मोटी हिसाब में लगा रहा हूँ। हाँ, 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 ठीक है। हाँ, ठीक, ऐसा ही हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही होगा। ठीक है, 16 महीने के अंदर दोबारा आ जाएगा ना? हाँ, आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बच्चा देने का शेड्यूल है। हाँ। अभी हम चलते हैं आगे और समझते हैं। हाँ। ये इसमें बच्चा रखे हैं। हाँ। ठीक है, इसको उधर से दिखाते हैं, आ जाओ, फिर खाने को भी दिखाते हैं, आइए। अच्छा, ये क्या खाना है जरा समझाइए मुझे। ये मादा को खाना खिलाना है इसको। हाँ। इसमें मक्का है, सोयाबीन है और भूसा है, कोढ़ा, वो तीनों मिक्स करके इसको देते हैं। ठीक है, कोढ़ा है, यानी कि कोढ़ा यानी चावल को जब हम कुटवाते हैं तो उसका जो भूसी निकलता है, छिलका निकलता है, भूसी नहीं छिलका निकलता है कह सकते हैं। दिखा भाई जरा, निकाल के दिखा दो, ये है करका। हाँ, दिखा भाई, ये ठीक, ये है चावल का कोढ़ा, इसको छत्तीसगढ़ी में कहते हैं कोढ़ा। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, अभी ये हम इधर देखते हैं, ये आ गए बच्चे तक की तरफ। ये बच्चे अभी हम जो देख रहे हैं वो कितने उम्र के हैं? ये 2 महीना का उम्र है, अधिकतम 2 महीना से के अंदर का ही है। 2 महीने से अंदर का है, ठीक है। और इसमें ब्लैक वाला भी था, इधर है, दिखाओ तो। हरीश, ब्लैक वाला, हाँ, ये कितने का है? ये लगभग 3 महीना लगभग का है। 3 महीने लगभग का है। और वो जो व्हाइट वाला बड़ा दिख रहा है वो इसी के साथ का ही है। वो नहीं, वो बड़ा वाला। हाँ, बड़ा वाला।
तीन महीना का है। तीन महीने का है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये घुसैल जानवर है कि? नहीं नहीं, एकदम कोई घुसैल नहीं है इसमें है? आपके ऊपर इसके साथ रहिए सोइए बैठिए कुछ नहीं करेगा ये। अच्छा, घुसैल नहीं है? नहीं नहीं, कोई घुसैल नहीं है। काटता वाटता नहीं? नहीं नहीं, एकदम नहीं काटता है, आदमी से मिलनसार जानवर है ये। तो इसको खाना ऐसे ही नीचे दे देते हैं? हाँ, नीचे दे देते हैं, चाट के खा जाए। आधा घंटा बाद देखेगा एक ठो नहीं बचेगा उसमें, पूरा फर्श दिखेगा, लाल काला फर्श दिखेगा पूरा। अच्छा, पूरा चाट के खा जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको बाहर नहीं छोड़ते हैं? नहीं 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 छोड़ते हैं बाहर। ठीक, अभी हम चलते हैं आगे और इनको लास्ट में खाना खिलाएंगे भी और दिखाएंगे भी बड़ों को कि खाना कैसे खाते हैं। अच्छा, इसमें तबीयत के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है इनके सेहत से? कोई बीमारी नहीं है इस जानवर पे, साफ सफाई रहना चाहिए, बाकी बीमारी नाम का चीज ही नहीं है इसमें। बीमारी नाम का चीज़ है नहीं? चीज ही नहीं है। अब कभी दभी कभी बुखार उखार आ गया तो अलग बात है, हमारे पास सब ट्रीटमेंट, खुद कर लेता हूँ, किसी को बुला। क्या लगाते हैं बुखार में? ये लाख नाम का आता है पैरासीटामॉल का इंजेक्शन। अच्छा, वो लग जाता है, 5 ml 6 ml लगा दिए फुर्सत हो गया। तो इसमें भी सबकट इंटरमस्कुलर होता है क्या, कि कोई इंजेक्शन सबकट लगता है कोई इंटरमस्कुलर लगता है बकरी के जैसे, कि अलग ही होता है? ये नहीं समझ पाया मैं। तो देखिए, मांस में और चमड़ी में दो तरीके से। हाँ, चमड़ी में एक आता है वो आइवरमेक्टिन, वो शरीर में चमड़ी में लगता है, वो शरीर में कितना भी कीटाणु रहे, कहीं घाव है या पेट के अंदर कृमि होता है, टोटल चीज मार देता है वो। चमड़ी में लगा दीजिए, फुर्सत हो जाइए और शरीर चमकता हुआ, 15 दिन बाद चमकता शरीर दिखेगा। तो इनमें भी डिवर्मिंग वगैरह करना पड़ता है? डिवर्मिंग कर, डिवर्मिंग का मतलब आइवरमेक्टिन लगा दिए तो करने का जरूरत ही नहीं है। आइवरमेक्टिन लगा दिए ना तो डिवर्मिंग का जरूरत नहीं पड़ा, उसी में सब हो जाता है। तो डिवर्मिंग का प्रोसेस क्या क्या फॉलो करते हैं, कैसे कैसे करते हैं? एक तो अलवंडा जोल आता है जो बच्चे को देते हैं हम लोग दाने पे, दाने में मिला के दे देते हैं बच्चे को, खा लेता है बच्चे में। और जितना बड़ा जानवर है टोटल में हम लोग आइवरमेक्टिन का ही यूज करता हूँ मैं। उसमें एक बार लगा दिए 50 किलो बॉडी वेट में 1 ml, इसके हिसाब से लगा दीजिए। हाँ। उसमें शरीर का जितना भी कीड़ा रहेगा सब मार देगा वो। अच्छा, भीतर का पेट का कीड़ा? सब, पेट का ही मार देगा, ऊपर का ही मार देगा, चमड़ी का मार देगा, टोटल मार देगा वो। अच्छा। कुछ करने का जरूरत नहीं उसमें। अच्छा हाँ ठीक है। तो वो डिवर्मिंग की जो दवाएं हैं वो बदलते रहते हैं कि एक ही चलाते? तो सेम चलाता हूँ, एक ही चलाता हूँ। कितने महीने के दरमियान करते हैं? वो लगता है कि इसका शरीर में कुछ कीटाणु है उस समय हम चला देते हैं। अच्छा। जिसे तंदुरुस्त दिख रहा है, एकदम चमकता हुआ, जैसे एक चमकता हुआ मारा दिख रहा है, इसमें किसी प्रकार का बीमारी नहीं, तो इसको लगाने कोई जरूरत नहीं है। ये शरीर में दिखेगा दाग उग दिखेगा, फुंसी दिखेगा, या तो फिर जैसे बाल झड़ता दिखेगा, तो समझिए कि इसको जरूरत है आइवरमेक्टिन का। तो ये कितने महीने की है? ये लगभग 2 साल की है। और वजन क्या है? वजन तो जैसे मादा बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद पूरा शरीर आधा हो जाता है। और इसके बाद फिर रेस्ट दे के फिर क्रॉस कराते हैं, और 2 साल में मान के चलिए 1 क्विंटल से आगे बढ़ना नहीं है इसको अभी। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक चीज और मुझे समझाइए, जैसे कोई बच्चा जो आज पैदा हुआ है, उसका लाइफ टाइम क्या होगा, वो कब तक बच्चा देगी, कितने साल तक? वो लगभग 3 साल तक बच्चा देते रहेगी वो। 3 साल? लाइफ टाइम हो रहा है। 3 साल बच्चा देने का टाइम? 3 साल मतलब 6 बार 7 बार बच्चा देगी वो। अच्छा, 7 बार बच्चा देगी। ठीक है, ठीक है। और बच्चे की संख्या तो आप बता ही रहे हैं कि बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे। ठीक है, ये देख रहे हैं एक। अच्छा, सब बच्चा देने वाली है, टोटल जितना सिंगल सिंगल है सब डिलीवरी प्रेग्नेंट है, इसमें से 2 मादा बच्चा दे चुकी है आगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, इधर वाले से आपका ज्यादा जान पहचान है क्या? इधर जब आ रहे तो लोग ज्यादा चिल्ला रहे हैं। नहीं नहीं, ये हम लोग आ गए हैं तो खाना मांग रही है, खाने के लिए मांग रही हो। अच्छा, मैं समझा इधर आपका ऑफिस है तो इधर वाले से ज्यादा कनेक्टिविटी है, देख के चिल्लाने लगी। तो जैसे पहचानती भी होगी जो खाना देते? हाँ हाँ, ये इतना बुद्धिमान जानवर है कि मेरे को लगता है कि आदमी से कम बुद्धि ने दिमाग नहीं। ये मालिक कौन है और वर्कर कौन है सब पहचानती है वो। अच्छा हाँ हाँ, ठीक ठीक। अच्छा हाँ जी, पहचानती है? पहचानती है। अच्छा ठीक है, ओके। अभी चलो इनको खाना देके दिखाते हैं, आइए। हाँ, ये हो गया। ये क्या खिला रहे हैं? ये दाना है जो पेट भरने के लिए उसका। हाँ, अभी ये खा रही है ना? हाँ। तो इसी तरीके से खाना दे देते हैं? हाँ, इसी तरफ से। ठीक है ठीक। और बच्चे भी? बच्चे अभी नहीं खाएगी, अभी ये लगभग 15 दिन का बच्चा है ये। अच्छा ठीक है, 15 दिन भी नहीं हुआ है इस बच्चे का। अच्छा ठीक, तो अभी सिर्फ माँ खाएगी। अच्छा, इस पार ले आना भाई, ये पार। हाँ, ये माँ खाएगी।
ये देखिए, हाँ अरे बाप रे, इतना इतना आवाज करेगी ये? हाँ हाँ, वो खाना के चलते कर रही है वो। तो इसको कितना टाइम खिलाते हैं? बस अभी खाएगी, एक बार शाम को खाएगी। अच्छा, दो टाइम खाएगी। हाँ हाँ। और क्या डोज रखते हैं, खाना कितना देते हैं? खाना एक दिन में किलो, एक किलो? नहीं नहीं, एक टाइम में एक किलो। एक टाइम में एक किलो? हाँ, वो पानी मिलाने के बाद वो दो किलो हो जाता है वो। अच्छा, वो वेट हो जाता है तो दो किलो हो जाता है। ठीक है, ये भाई साहब इस तरीके से दे रहे हैं। कहाँ से हैं ये? यहाँ से 25 किलोमीटर दूर इसका घर है। अच्छा, पाट में ही है। पाट में और यहीं रहते हैं, पूरा फैमिली से हैं लोग। अच्छा, इनका तो तीन बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, तो तीन बच्चे को मैं भेज देता हूँ स्कूल। हाँ। यहीं पढ़ते हैं, यहीं रहते हैं लोग। अच्छा, ठीक है। इस तरीके से खाना देते हैं, अलग अलग जैसे बना हुआ है बाउंड्री, उसमें सबको अलग अलग दे देते हैं। ठीक है, खाते वक्त लड़ाई वगैरह नहीं होता? नहीं नहीं, कोई लड़ाई नहीं होता। अच्छा, अब मुझे एक चीज समझा दीजिए, ये जो सेटअप बना है पूरा, ये कितने पैसे में बना है? मेरा टोटल सेटअप 20 लाख रुपया लगा था बनाते समय। ये सेट की बात कर रहा हूं, ये पूरा सेटअप, बाउंड्री और ये अपना ऑफिस मकान, स्टाफ रूम, सब लेके 20 लाख रुपए लगा था मेरा। और जानवरों पे कितना खर्चा किया? जानवर तो मैं 40 लाया था, 3000 रुपए पीस के हिसाब से बनारस से। हाँ। 1,20,000 में लाया था हमें। हाँ। बच्चा 40 बच्चा। अच्छा, ठीक है, तो इतना खर्चा किए थे। हाँ। टोटल खर्चा कितना गया होगा तब, ये मिला के और जानवर मिला के? 22 लाख रुपए लगभग टोटल, वहाँ से बनारस से लाना, गाड़ी वाड़ी भाड़ा। तो जानवर पे कम खर्चा किया है, सेटअप पे ज्यादा? हाँ, किया सेटअप पे ज्यादा किया मैं। अच्छा, सेटअप परमानेंट हो गया। हाँ। और जानवर भी एक बार आया। हाँ। मैं गलती किया, मैं बच्चा ला के, मेरे को बड़ा लाना था उस समय। अच्छा, मतलब देखने वालों को सजेस्ट कर रहे हैं कि जब लें तो बड़ा लें? हाँ, बड़ा लेना चाहिए उनको, जो जिसको भी फार्म डालना है। हाँ। तो लमसम 60 किलो 70 किलो का मादा लेके आए और क्रॉस कराए तुरंत। अच्छा, तो एक चीज अब मुझे समझाइए, आपने 22 लाख रुपया लगाए, वो 22 लाख रुपया किसी फार्मर को कितने साल पे निकलेगा? मेरा तो दो साल में निकल गया लगभग। अभी दो साल पे आपका निकल चुका है? ढाई साल लगभग हो रहा है। ढाई साल अभी अभी मैं समझना चाहूँगा, साल का आपका प्रॉफिट टारगेट क्या है, कि कितना प्रॉफिट है? मेरा लगभग अभी भी 12 लाख रुपया लगभग साल का आना चाहिए। ठीक है, और 12 लाख में फिर कितना और खर्चा काटेंगे? खर्चा काट के 12 लाख में। खर्चा काट के इतने बड़े फार्म से 12 लाख रुपया कमाने की उम्मीद आप रखते हैं? हाँ, हाँ, हाँ। यानी कि 1 लाख रुपया पर मंथ का टारगेट आपने रखा है। हाँ, हाँ। तो वो टारगेट पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं कि नहीं? दिख रहे हैं, दिख रहा हूँ पहुंचते हुए। हाँ, दिख रहा हूँ पहुंचते हुए। 1 लाख रुपया कमा सकते हैं इस फार्म से? आराम से, एकदम इजी कमा सकते हैं। पक्का कोई कमा इतने बड़े फार्म से 1 लाख रुपया कमा सकता है? कितने जानवर हैं बोले अभी? मेरे पास 100 जानवर है। 100 जानवर से 1 लाख रुपया सुगर पाल के कोई कमा सकता है? आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, तो यही समझना चाह रहे थे। ठीक, तो आप देख रहे थे दोस्तों सुगर पालन, और हम दिखा रहे थे बगीचा तहसील, कौन सा गाँव बोले भाई? दुर्गापारा गाँव, दुर्गापारा बगीचा तहसील, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ से। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।